Kamal. So hey, what's up guys, and this is my dream camera, which is the Sony A7 III, for which I was waiting for a very very long time. And I think ये सबसे ज़्यादा बिका होगा, because ये 2-3 साल पुराना मॉडल है और कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जो इस प्राइस में इसको कम्पीट कर सके. तो अभी हम अनबॉक्सिंग करें कैमरा की, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो लेंसेज है जो दो मैंने एडिशनल परचेज किए हैं. बिकॉज ये है खाली कैमरा और उसकी इक्विपमेंट्स जो भी इसके साथ आया, क्योंकि कैमरा की बॉडी है. तो अब देख सकते हो नेक स्ट्रैप, बैटरी और ये चार्जर भी मिल जाता है, जिसमें हमें बैटरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैमरे की. हम इसके साथ डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हैं वॉल सॉकेट में और केबल के थ्रू, देन ये बैटरी को चार्ज कर देगा. और साथ मिल जाती है माइक्रो यूएसबी केबल जो कि हमें डेटा ट्रांसफर के लिए काम आएगी. तो ये है सोनी का 50mm f/1.8 लेंस. तो ये है सोनी का ब्रांड का ओरिजिनल, कोई दूसरी कंपनी का नहीं है, बिकॉज जो सोनी की जो लेंसेज की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है. लेकिन अगर फास्ट फोकसिंग और रिस्पॉन्सिव वो सब क्वालिटी चाहिए तो सोनी के लेंसेज है वो परचेज़ करो, बिकॉज लेंसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. और अगर हाई एक्सपेंसिव लेंस में जाना चाहते हो तो आप जी मास्टर के जो सोनी के लेंसेज है वो परचेज कर सकते हो. एंड हाँ, ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस मिल जाता है हमें ऑफलाइन. तो मैंने लिंक्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अब चाहो तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन परचेज़ करो. मेरे को कोई कमीशन की भूख नहीं है कि कमीशन मिल जाएगा आप मेरे लिंक से परचेज करोगे. यू कैन सेव योर मनी एंड बाय द कैमरा ऑफलाइन. सो दिस इज़ द टैमरॉन लेंस विच इज़ 24mm f/2.8. तो वही सेम चीज़ें हैं जो इक्विपमेंट मिलते हैं लेंस के साथ, जो लेंस का हुड है और जो लेंस है और लेंस की कैप जो उसमें साथ में लगी है. तो जो 50mm का लेंस है वो मैंने परचेज़ किया है काफ़ी ज़्यादा क्लोज शॉट्स के लिए, और जो 24mm का लेंस है वो मैंने परचेज़ किया है थोड़े से वाइड शॉट्स के लिए, ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर अपना कैमरा ना रखना पड़े. मैं अपना इजीली हैंड से भी फोकस कर सकता हूँ अगर मैं फेस कैम कर रहा हूँ. सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि इस कैमरे में आपको दो SD कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं, एक है UHS-1, एक है UHS-2. जो UHS-2 है वो ज़्यादा फास्ट है और थोड़ा एक्सपेंसिव ही है. तो जो फ्री आया है कैमरे के साथ जो मेमोरी कार्ड, वो आया है UHS-2. तो हम एक बार अपने लेंस को इसके साथ लगाते हैं और एक सैम्पल फोटो भी ले लेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ क्लिप भी दिखाऊंगा जो मैंने S-Log3 जो कि पिक्चर प्रोफाइल है उसमें शूट की है. तो अभी कैमरा को हम सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं सोनी A7 III की कुछ चीज़ें के बारे में. जो कैमरे का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और बाकी जो कैमरास देखते हैं हम नाइकॉन के या कैनन के, वो थोड़े से एनलार्ज होते हैं इससे. बट ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, लेकिन इसके साथ आपको कोई फ्लैश नहीं मिलती जो कि इंटरनल फ्लैश है. आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फ्लैश कैमरे की यूज़ नहीं की है, चाहे वो लो लाइट क्यों ना हो. मैं चाहता हूँ कि एडिशनल जो सोर्स लाइट है मैं वो यूज़ करूँ रेदर देन द फ्लैश. तो मॉनिटर की ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हो रखी है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता ताकि अच्छे से विजिबल हो सके. तो इसका मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ जाएंगी सारी चीज़ें. लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने को, हर चीज़ को जाने के लिए आपको अलग से जाना पड़ता है. जो स्क्रीन पे जो भी ऑप्शंस आते हैं आप उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ आप जब फोटो लेते हो तो आप फोकस कर सकते हो, या फोटो को जूम इन करना है वो भी नहीं कर सकते बिकॉज आपको जूम इन बटन दबाना पड़ेगा. बट आप लेफ्ट राइट जब स्लाइड करोगे पिक्चर पे तो आप वो ईजिली कर सकते हो. तो इसमें हमें देखने को मिल जाता है एक माइक पोर्ट और साथ में एक हेडफोन पोर्ट, ताकि हम साइमल्टेनियसली अपनी ऑडियो सुन सके. साथ में माइक्रो HDMI पोर्ट और USB टाइप सी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि डेटा ट्रांसफ़र थोड़ा सा और फास्ट हो जाए. सो सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही हम अपना हैंड या कुछ भी अपने आईज़ को जैसे भी EVF पे रखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, तो तब आपकी स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ हो जाती है और तब आप इजीली आप EVF में देख सकते हो. तो स्क्रीन क्वालिटी को देखा जाए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी लो बजट कैमरा से आप इस कैमरा पे आ रहे हो तो आपको स्क्रीन क्वालिटी में ऑब्वियसली ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी. इसमें आपको बहुत सारे कस्टम कीज़ मिल जाएंगे, अपने ऑप्शन सेट कर सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने को. तो अभी तो फिलहाल अनबॉक्सिंग वीडियो है ये, तो एक छोटा सा इंप्रेशन और साथ में आपको दिखा देता हूँ मैं एक रैंडम क्लिप जो कि मैंने शूट की थी S-Log3 में. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था S-Log3 में वीडियो को रिकॉर्ड करना और उसको एडिट करना. तो कलर ग्रेड जहाँ तक मेरे से जितना अच्छा हो सके मैंने उतना किया कोशिश, और ये है एक लो लाइट की वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे मैंने ISO काफ़ी ज़्यादा बम्प अप कर रखी है और फिर भी नॉइज़ नहीं आई है. तो लो लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और जो फोकसिंग स्पीड है बहुत ही ज़्यादा शार्प है. और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इसमें EAF मिलता है जो कि है आई ऑटो फोकस.
तो अब जो भी वीडियोस आने वाली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आने वाली है, बिकॉज वो होगी सारी 4K में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना। एंड आई विल सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।